बताओ मुझे कितना आंसर आया। कितना आया आंसर? .015। वही 100 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यूनिट कन्वर्जन नहीं किया तूने। आंसर उन्होंने जूल में पूछा है, तूने आंसर दिया है DMQ बार में ना। ना सर। हाँ तो कन्वर्ट कर। नेक्स्ट हेडिंग दो, वर्क डन। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है आपको? तो इसमें आप को मालूम है वर्क, व्हेन द वॉल्यूम, ये वर्क डन है इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसको ये डिफरेंशिएशन में निकालो, इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो छोटे 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 स्मॉल आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा फिजिक्स मैथ्स में, या इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। छोटे छोटे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे चीजों को आपस में जोड़ देना, इट्स ए सम कर देना। तो इस छोटे छोटे चीजों को सम करने के लिए हम W को क्या लेंगे? स्मॉल डी, डी डब्ल्यू फॉर स्मॉल स्टेप्स के लिए। कहां से कहां तक चेंज हो रहा है ये? ये होगा इनिशियल से लेकर फाइनल तक, इनिशियल से लेकर फाइनल तक इंटीग्रेशन करूंगा मैं इसको। ठीक है, इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल का इंटीग्रेशन। तो पी एक्सटर्नल का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा बोलो? इनिशियल वॉल्यूम V1 लूंगा और फाइनल वॉल्यूम V2 लूंगा, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा है मैंने। तो पी डेल्टा वी की जगह DV, क्योंकि स्मॉल चेंज के लिए, और ये नेगेटिव साइन रहेगा। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो फ्रॉम आइडियल गैस यू नो दैट, तो वर्क डन मैक्सिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस V1 से V2 तक जाएगा और P डेल्टा DV। ठीक है, तो वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। तो इस PV इज इक्वल टू NRT को आप इसमें चेंज करो, तो वर्क डन मैक्सिमम
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा तुमको वी वन वी टू माइनस, ये मैं पी बी इज इक्वल टू एन आर टी ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन आर टी, और ये जो वॉल्यूम है इसको मैंने डीवी बाई वी कर दिया, डीवी बाई वी। अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा माइनस एन आर टी, और ये क्या हो जाएगा बोलो वी वन वी टू डीवी बाई वी, बिकॉज टी इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। तो मुझे ये बताओ ये इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, आप लोग तो इंटीग्रेशन के मास्टर हो, बताओ क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, पढ़ ले आगे बचा हुआ है इंटीग्रेशन मैथ्स में बाकी है। हाँ तो इसका इंटीग्रेशन बताओ मुझे, हाँ तो लॉग आ जाएगा नेचुरल लॉग, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एन आर टी एल एन बी, और ये क्या हो जाएगा वी वन से लेकर वी टू तक, अब आप पुट अप कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस एन आर टी लोअर लिमिट हायर लिमिट, ओके, तो एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, और ये डिवाइड के फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में है, मतलब डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू, और तुम्हें मैं आगे भी सिखाऊंगा जब भी नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.303 से, तो मैं इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2.303 एनआरटी एनआरटी लॉग बेस 10 वी टू बाई वी वन, और प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है इनवर्स, तो वर्क डन प्रेशर के टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2.303 एनआरटी log P1 upon P2। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो सिर्फ ये याद रखना कि वर्क डन जो है रिवर्सल प्रोसेस में ये होता है, और वर्क डन इन रिवर्सल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ये होता है, बस ये कैसे आया कैसे नहीं आया जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है जानने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, अभी तक जितना हमने पढ़ाया उस पे एक सम दिया हुआ है तो उसको हम कर लेते हैं। तो आप एक एक करके करोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 300 मिलीमोल ऑफ एन आइडियल गैस occupies 13.7 dm³ at 300 Kelvin. ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपेंडेड when the gas is expanded until its volume has increased by 2.3 dm³। तो इसको करो आप, ठीक है। देखो कहीं भी लैंग्वेज में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में बाय लिखा हुआ है, मतलब वो डिफरेंस है। थ्रू लिखा हुआ है, मतलब वो डिफरेंस है। तो इंक्रीजेस बाय, मतलब ये डेल्टा भी दिया हुआ है। तो तुमको यहाँ पे V2-V1 खोजने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दे गिवन दैट। ओके, तो डू दिस, ये नंबर आपको करना है, ये नंबर क्वेश्चन है। आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार। एक नंबर ए नंबर ये हुआ, बी नंबर, ए नंबर पहले आप सॉल्व करना चालू करो। बी नंबर है आइसोथर्मली रिवर्सिबली और तीसरा है इनटू वैक्यूम। तो आप ये करना चालू करो।
कितना आया आंसर पहले वाले का? हाँ किसी से बन रहा है? सर 69 जूल्स पहले वाले का। हाँ सही है। देखो पहले वाले में कुछ नहीं करना है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, एक्सटर्नल दिया हुआ है डेल्टा भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, डीएम क्यू बार में आएगा उसको 100 से कर दो तो जो है बार में जूल में आ जाएगा, डेट इज योर आंसर। सेकेंड वन में थोड़ा सा ट्रिकी है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, मतलब वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। सो माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वी टू बाई वी वन। तो वी टू कितना लोगे? इनिशियल इनिशियल जो वॉल्यूम है वो है तुम्हारा 13.7 डीएम क्यूब, मतलब 13.7 डीएम क्यूब वी वन है, और वो कितने से इंक्रीज कर रहा है? 2.3 डीएम क्यूब से, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम हुआ वो कितना हो गया? 13.7 प्लस 2.3, मतलब जो वी टू हो गया वो हो गया 16 डीएम क्यूब। तो वी टू हो गया तुम्हारा 16 डीएम क्यूब और वी वन कितना हो गया? 13.7। लॉग वी टू 16, लॉग वी वन 13.7 एंड डू इट। एन कितना लोगे? एन नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 300 मिली मोल्स, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना। आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना लोगे? जूल में 8.314 जूल, ठीक है, लीटर में होता तो 0.0381 लेते, ये जूल में है तो 8.314। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 के, फाइंड इट। बी नंबर आया, बोलो किसी का आया आंसर?
ये वाला आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, वन सिक्स पॉइंट वन जूल। कित 120 आया आपका? Yes. थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस में इधर उधर हुआ होगा लॉग लेने में। देखो मैं क्या बता देता हूँ, मैं करूँगा नहीं उसको, कैलकुलेशंस आप ही को करना है। आंसर दिया हुआ है बुक टेक्स्ट बुक में 116.1 जूल। सो आपको दिमाग में जाना चाहिए कि रिवर्सिबली है मतलब वर्क डन इज इक्वल टू -2.03 एनआरटी लॉग V2/V1। तो -2.03 एन का वैल्यू 300 मिलीमोल्स मतलब 300 × 10⁻³ मोल्स। आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300, लॉग बी टू आपको बताया था ये 16 डीएमक्यू, और ये बोलो 13.7। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो पता नहीं कितना आएगा, जो आएगा वही आंसर है जूल में। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि वर्क डन इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में क्या हो जाएगा, वैक्यूम में प्रेशर जीरो, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। सो वैक्यूम में कोई वर्क डन नहीं होगा, वैक्यूम में वर्क डन जीरो के बराबर होगा। गॉट इट? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। ऐसा तो नहीं है कि मतलब सुनते नहीं हो, बोलते नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है। अब शंकर भगवान की तरफ मेरे पास तो त्रिनेत्र है नहीं कि मैं देखूं कि बना रहे हो कि नहीं, वहां पे कोशिश कर भी रहे हो कि नहीं। क्लासरूम में होता तो दिखता कि कॉपी में कौन ट्राई कर रहा है कौन ट्राई नहीं कर रहा है। मुझे तो यहाँ से वो संजय था महाभारत में ना, तो संजय को इतना पावर था कि वो बताता था धृतराष्ट्र को कि देखो भाई कौन सा कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो मेरे पास तो इतना पावर है नहीं कि मैं आपका पेपर देख सकूं नोटबुक, तो मैं तो आप पे डिपेंड करता हूँ कि आप बोलोगे कि मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये हो गया, आगे बढ़ो। ठीक, नेक्स्ट है एक नया टर्म आएगा अभी जिसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ना जितने टाइप्स की एनर्जी है वो सबका सम है, जो क्योंकि सब जितने भी सब्सटेंस होते हैं सब में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, और दैट एनर्जी जो बॉडी के अंदर वो सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड होता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, व्हाटएवर भी द एनर्जी, वो सबका सम है। और इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पाथ, नॉट ऑन द इंटरमीडिएट। ओके, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पाथ, नॉट ऑन द इंटरमीडिएट। ठीक है, सो देखो मैं इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, पहले मैं अपना डेफिनेशंस लिखता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा आपके बुक इस लैंग्वेज को देने के लिए। पहले आप ये याद रखोगे, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन at constant volume
The energy is stored in a substance during its formation at constant volume, known as internal energy. Known as. ये नहीं बोलना constant volume पे, known as internal energy. ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज मेड अप ऑफ kinetic system is made up of kinetic and potential energy. Kinetic and potential energy. Potential energy of individual. Of individual particle of the system. Particle of the system. So U1, initial internal energy of the system, initial internal energy. U2, final internal energy. Final internal energy. Therefore, change in internal energy is equal to U2 minus U1 delta U. Okay, so change in internal energy is equal to U2 minus U1. Internal energy is a state function, इसलिए मैंने final minus initial किया. Since internal energy is a state function, which depends only on initial and final path. Only on initial and final path. ठीक है, तो ये लिख लो. Next, इस पे हम और internal energy एक extensive property है, आपको मालूम है, मैंने शुरू में ही बताया है. लिख लिया? हाँ सर. तो देखो, इंटरनल एनर्जी एक फंक्शन है टेम्परेचर का. ओके, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा. टेम्परेचर जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगा. सो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. Internal energy is a function of temperature. Function
ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद मैं आपको एक लॉ लिखता हूं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये हो गया। इसके बाद अपने को जानना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। उसके पहले आप एक चीज जान लो, जब भी कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगा, कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगा मतलब बाहर से आप हीट किसी को सप्लाई कर रहे हो तो बॉडी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो क्यू को पॉजिटिव लेना, क्यू पॉजिटिव। और यदि हीट रिलीज होता है, हीट क्या होगा बोलो, रिलीज्ड होगा, तो क्यू नेगेटिव लेने का, ठीक है। और मैंने वो लिखा था वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, तो मैं तो ये बार बार भूल जाता हूं कि क्या होगा। मैं निकालता हूं ऐसे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है मतलब वी टू कम है, ये ज्यादा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और वर्क डन बाय द सिस्टम, पहले इसको लिखो अच्छे से, ये साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको, फिजिक्स में हो सकता है उल्टा है, साइन कन्वेंशन। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग क्या लोगे आप, नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ये लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट डे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से करेंगे स्टार्ट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। पूछना है किसी को कुछ भी तो पूछो, मैं रुका हूं अभी, आप आराम से लिखो। ये खत्म हो जाएगा मीटिंग एक मिनट के अंदर, लिख लो फटाफट। सर हो गया, ठीक है, फिर जा सकते हो, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर।
एंड कर दूंगा सबके जाने के बाद. किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, मैं रुका हूँ, दूसरा सेशन भी स्टार्ट कर सकता हूँ इफ यू हैव एनी डाउट्स.